नमस्कार दोस्तों, बावतर हूर वाली मूवी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर काफी हंगामा हो चुका है। जैसे केरला स्टोरी को लेकर हंगामा हुआ था, वैसे ही इसी मूवी को लेकर चर्चा चारों तरफ हो चुकी है। अभी लगातार फिल्मों की दुनिया के अंदर कंट्रोवर्सी मूवी को ज्यादा बनाया जाता है, ताकि इन सभी मूवी को प्रमोशन करने के लिए ज्यादा खर्चा ना उठाना पड़े। जिस प्रकार द केरला स्टोरी और कश्मीरी फाइल को लेकर लोगों के मन में काफी सवाल उठे थे, ठीक उसी प्रकार बावतर हूर वाली मूवी को लेकर लोगों के मन में काफी सवाल खड़े हो चुके हैं। अगर आपको इस वीडियो के अंदर वैल्यू मिलती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल से जुड़ने पर आपको ढेर सारी जानकारी और इन्फॉर्मेशन न्यूज मिलेगी। बावतर हुरे क्या होता है और असल में इसका मतलब क्या होता है? दरअसल इस मूवी में यह कहा गया है, जो तुमने रास्ता चुना है जिहाद का, वो रास्ता तुम्हें जन्नत के सीधे दरवाजे की ओर ले जाएगा, और वहां पर कुंवारी व अछुई महिलाएं तुम्हारी होगी। ये तुम्हारी शब्द हमेशा से ही विवादों में रहा है। इस मूवी के अंदर कसाब व ओसामा बिन लादेन जैसे बड़े बड़े आतंकवादियों को भी दिखाया गया है। इस मूवी में आपत्तिजनक होने के कारण सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया। बावतर हूर वाली कहानी हम लंबे समय तक सुनते आ रहे हैं। जन्नत वाली जिंदगी का लालच, जिसमें आतंकवादी खुशी खुशी से निर्दोष लोगों की जान ले लेते हैं। दुनिया भर के तमाम आतंकवादियों से जब उनके बयान लिए गए तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया। बाली के अंदर अमरोली नाम के आतंकवादी को जब मौत सजा सुनाई गई थी, तब वह जोरों से मुस्कुरा रहा था और जोर जोर से ये बोल रहा था कि मैं शहीद हो रहा हूँ। इस आतंकवादी ने नाइट क्लब के अंदर जबरदस्त बमबारी की थी। कई आतंकवादी पढ़े लिखे वे समझदार होते हैं, जिनके पास पैसे की कमी नहीं होती, फिर भी वे इसी रास्ते को चुनते हैं। इन सब से जब पूछा जाता है तो वे जन्नत के दरवाजे के बारे में बोलते हैं। जैसे ये लोग कमाते खाते है ना, तू भी ऐसे कमा के आएगा और कोई मुश्किल नहीं है। और अब कभी पैसा मिलेगा, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, तो शादी भी हो जाएगा तेरे भाई बहनों की। देख बेटा, जैसे ये खाते हैं ना, आराम से रहते हैं, तू भी रहेगा। उसने ऐसा ही किया। बात करने के बाद क्या होता है, ऐसा बोलते थे वो? इज्जत होता है और ये सवाब का काम है, नेकी है, तो ऐसी ऐसी बातें करते थे। और बंदे को रिजक बहुत मिलता है, पैसा बहुत मिलता है, गरीबी दूर हो जाती है। कितने दिन का ट्रेनिंग रहते हैं इधर? पहले एक माह का होता है ना, जो आम आम जिसको दावती कहते हैं ना, जो अमीर लोगों को कराता है, जिसको सिर्फ दावत दावत देता है। फिर जो बड़ा ट्रेनिंग है ना, जिसको बोलता है पक्का हो गया लड़का, उसको 3 माह का देता है बस। अच्छा, और बस उसके बाद तैयार देख होता है, देखता है बस तैयार करके। हाँ, आज जो काम किया, आज का काम करके बाद में क्या, किधर जाने वाले थे तुम लोग? मरने वाले थे हम लोग। कैसे? वो बोलता था कि जन्नत में जाओगे। कसाब की कहानी का भी कुछ मोड़ इसी कहानी की तरह देखने को मिला। 25 साल का मजदूर अजमल कसाब अपने परिवार के साथ आराम से जिंदगी बिता रहा था। उसने बस 4th क्लास तक पढ़ाई की थी। पैसे ना होने के कारण वह ज्यादा पढ़ाई नहीं कर सका था। पिता काफी उसके गरीब थे। एक दिन जकीर उर रहमान से उसकी मुलाकात हुई और उसने भरोसा दिलाया गया, काम काफी खतरे का है लेकिन परिवार वालों को खूब सारी संपत्ति और इज्जत मिलेगी, और उसे आतंकवादी की ट्रेनिंग दी जाने लगी। किसी से भी बात करने की परमिशन नहीं दी गई थी। एक दिन उसे सीडी के अंदर वीडियो दिखाकर कत्ल करने के लिए टारगेट दिया गया। उसे जियाद के बारे में लगातार कुछ नहीं मालूम था, यहाँ तक कि पकड़े जाने के बाद भी पूछा गया कि जियाद क्या होता है, उसे ये भी नहीं मालूम था। उसे बस सिर्फ इतना मालूम था कि सिर्फ जन्नत मिलेगी, और उसने सारे काम सिर्फ पैसों के लिए किए थे, और उसे कभी भी जियाद के बारे में नहीं बताया गया। उसे ट्रेनिंग देने वालों ने कसाब से कहा था कि जब तक तुम जिंदा रहोगे तुम लोगों को मारते रहोगे, जिससे तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। बावतर हूर मूवी का ट्रेलर 10 भाषा में रिलीज किया गया है। अब ये मूवी चलने के बाद आगे कितनी विवादों में रहेगी, ये तो आगे ही पता चलेगा।